यही पहले स्टेप में दूसरा काम होता है आपका आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। फिर से मैं बता रही हूँ, अब आपको कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेट आपसे लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम वीक में आपके 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लग जाने चाहिए। कितने दिन क्या करना है, अभी तक बिहार में मैथ्स और रीजनिंग में पूछे गए पिछले 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, और आपको ये इस बुक में मिल जाएगा कि रेलवे में बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो रेलवे में बड़ी वैकेंसी आने वाली है, मैंने अपनी रेलवे की कैसी तैयारी की थी, किस तरह से मेरा जो है रेलवे में एग्जाम क्लियर हो गया था, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको थोड़ा जो है रेलवे के रिगार्डिंग भी डेफिनेटली। जय हिंद साथियों, मैं प्रिया झा, एंड होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बिहार में अभी वैकेंसीज की बाहर आई हुई है, अभी 4th CGL जो है जल्द उसका ऐलान आने वाला है, ठीक है। 10+2 के एग्जाम जल्द इसी साल कुछ महीने में हो जाएंगे, और दरोगा की वैकेंसीज का भी जो है जल्द आपको जो है सुनने को मिल जाएगा, वो भी आ जाएगा सुनने में आपको, ठीक है। उस पर भी काम चल रहा है डिपार्टमेंट में। तो मैं आपको अभी ये बता दूँ कि जो लोग बैठ चुके हैं प्री एग्ज़ाम देने के बाद, अब समय है, आज से ही लग जाइए। मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है आप सबसे कि कुछ चीज़ें, इन चीज़ों को कुछ समझना चाहिए हमें, समझदारी से, कि कुछ चीज़ें जो है जीवन में वो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हमने प्रयास कर दिया, जो करना था, जो होना था, सब हो रहा है, होते चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको अपना रोल, अपना कर्म नहीं छोड़ना है। एज अ विद्यार्थी आपका कर्म है पढ़ना पहले, ठीक है ना। आपको अपनी तैयारी रखनी है। कल को मेंस हो जाएगा, आप हड़बड़ा जाओगे, कल को कुछ आ जाएगा नोटिस, आप हड़बड़ा जाओगे। वैसे हड़बड़ा लेना नहीं है, अब समझ रहे हैं मेरी बात। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी वीडियो में समझाया था कि क्या होगा वो दूसरी चीज़ है, आपको क्या करना है वो तो स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम आप ऑलरेडी प्रीलिम्स दे चुके हैं, आपको पता है आपके स्कोर्स अच्छे आ रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, मेंस की तैयारी में जुटे रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इनके कम भी ये स्कोर है तो क्या हुआ, वैकेंसीज तो लगातार है, इतने सारे एग्जाम चल रहे हैं, सेम तो प्रिपरेशन है, सेम तो पैटर्न है, पढ़ाई क्यों छोड़ना है, पढ़ाई से नहीं भागना। जिस दिन देखो हार उसी दिन हमारी तय होती है ना, जिस दिन हम मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, आपको मैदान में बने रहना है। मैंने पहले भी अपने एक दोस्त का एग्जाम्पल दिया था, और जो लोग अभी अंदर से टूटे फिर से उसका एग्जाम्पल दूंगी। मेरा एक फ्रेंड रहा है शुभम गुप्ता, ठीक है, उसका एग्जाम्पल इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि उस इंसान को मैंने अपने सामने टूटते हुए देखा है, ठीक है। और आज उसके एग्ज़ाम 3 बार बिहार एसआई का एग्ज़ाम नहीं हुआ, ठीक है, और आज वो रेलवे में SRCCTC है, ठीक है, और काफ़ी अभी उसकी जॉब को भी मान के चलिए 1 साल अब बीत गया है। तो उसने, वो मुझे आज यही कहता है कि मैं तुमसे एक अच्छी जॉब में हूँ, अच्छी जगह पे हूँ। मैं भी ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने वही चीज़ जब उसका नहीं होता था तो मैंने उसे ये चीज़ समझाई थी, दीक्षु तो विश्वास रख, आज नहीं हुआ है तेरा ज़रूर ऐसी जगह पे होगा ना कि इससे लाख गुना अच्छी जगह पे तेरा सिलेक्शन होगा। तो हुआ, इसीलिए आपने क्या करना है, अपना कर्म करना है, अपने कर्म से मत पीछे भागे। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में बिहार एसआई मेंस के रिगार्डिंग कुछ गाइडेंस दूंगी, शॉर्ट गाइडेंस है, लेकिन आपको पकड़ना है मेरे पॉइंट को, क्योंकि आप ऑलरेडी प्री दे चुके हैं और मैं ये मान के चल रही हूँ अब आप जो है आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 60% डन है, ठीक है ना, क्योंकि आप प्रीलिम्स दे चुके हैं, आप अब कहीं से कम नहीं हैं, आप ऑलरेडी जो है अपने अंदर वो हुनर रखते हैं कि अब आपकी थोड़ी सी और मेहनत आपको मेंस क्लियर और मेंस में अच्छे नंबर जो है लेके जाए। प्रीलिम्स में कितने नंबर आ रहे हैं, भले ही 200 में प्रीलिम्स में 180 185 कितने स्कोर कर रहे हैं, या कोई जस्ट कट ऑफ पार कर रहा है, आप सब एक पायदान पे आ जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स आपके मेरिट में काउंट नहीं होते हैं, मेरिट आपके मेंस बनाएगा। तो आपको अब फोकस करना है स्कोर इंप्रूवमेंट पे, जिनके स्कोर कम आ रहे थे उनको स्कोर इंप्रूवमेंट अब बनाना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। जिन्होंने आज तक घटना चक्र नहीं छुई, घटना चक्र छू देना है सबसे पहले, ठीक है ना, स्टार्ट कर देना है। तो चलिए एक बाय स्टेप बताती हूँ क्या प्रिपरेशन है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि आप जान लीजिए कि बिहार एसआई मेंस के एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं, एक आपका हिंदी का पेपर होता है, दूसरा आपका क्या होता है, जीएस पेपर होता है, ठीक है। तो आपकी आपको स्कोरिंग किस में उठानी है, जीएस के पेपर में, ठीक है। हिंदी के पेपर आपके जस्ट क्वालिफाइंग है, यू हैव जस्ट टू क्वालिफाई दैट, ठीक है। जिनकी हिंदी ज़्यादा कमजोर है वो हिंदी पे मेहनत कर ले, अदरवाइज वो प्रैक्टिस, बाकी जिनकी हिंदी बनी बनाई है वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सेट लगा करके वो आपका निकल जाएगा काम, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि जो पेपर 2 है, अब इसमें जो जीएस पेपर 2 है उसका सिलेबस थोड़ा प्री से डिफरेंट होगा। अब आपको मैथ रीजनिंग पे थोड़ी सी जो है अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि वही आपके जो है स्कोर को उठाएगा। यहाँ पे 20 आप मान के चलिए, कम से कम 20 से जो है क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन आपको मैथ्स रीजनिंग से देखने को मिलेंगे। जीएस का वेटेज यहाँ पे जो है, इसमें भी जनरल साइंस, हिस्ट्री, ये सब जो है वेटेज उठा के रखेगा अपना, ठीक है ना।
तो और आपको मैं पहले बता दूं कि प्रीलिम्स की तरह जो रैंडम चेंज हो जाता है वैसा इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो पैटर्न आपका चला आ रहा है उसी पैटर्न पे मेंस हमेशा और हर बार बिहार एसआई का हुआ है, तो इस बार भी वही पैटर्न आपको मिला जुला करके वही पैटर्न देखने को मिलेगा। तो मैथ्स रीजनिंग पे अपनी कमांड आज से ही आपको बना देनी है, ठीक है। और जो लोग फिजिकली वीक हैं आप वॉकिंग करना कम से कम स्टार्ट कर दीजिए, हाफ एन आवर 40 मिनट्स वॉकिंग करिए, वो आपकी थोड़ी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, फिजिकल हेल्थ के लिए तो डेफिनेटली होगा ही होगा। अब मैं आपको आगे बताती हूँ अब स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए सबसे पहले आपका क्या काम होना चाहिए, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आपको स्ट्रेटजी अब पता होनी चाहिए कि हमें करना क्या क्या है इसमें। सबसे पहले स्ट्रेटजी आपकी होती है, कभी भी मैंने हर बार जितनी बार भी जितने भी एग्जाम के लिए मैं बताती हूँ सबसे पहला पॉइंट मेरा हमेशा यही होता है, फर्स्ट यू हैव टू गेट द सिलेबस ऑफ दैट एग्जाम। आपके हाथ में हमेशा उसका सिलेबस होना चाहिए, आप उसका सिलेबस जाके गो थ्रू करिए कि क्या उसका सिलेबस है, ठीक है। सेकंड उसी में काम फर्स्ट यही पहले स्टेप में दूसरा काम होता है आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। फिर से मैं बता रही हूँ आपने भले प्रीलिम्स में देखा हो या ना देखा हो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, आप फिर से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखने बैठिए, ठीक है। आपको बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखने और क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं इस बुक से, आपको अब भी तक के अपडेटेड क्वेश्चन पेपर्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपका जस्ट एग्जाम हुआ है करंट। तो आपने क्या करना है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर यहाँ से देख लेने हैं, ठीक है। अब आपका जो दूसरा स्टेप है यानी पहला स्टेप अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेने के बाद आपका दूसरा स्टेप आता है, आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, मैं जानती हूँ ये मैं मान के ही नहीं चल रही बल्कि ये सच है, तभी आप प्रीलिम्स क्लियर कर पा रहे हैं, ठीक है। आपकी यहाँ पे पढ़ाई ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो आपने अब क्या करना है, अब आपने देखो जैसे मैं टेलीग्राम पे टॉपिक लगातार दे रही हूँ, हाँ मैंने टॉपिक यूट्यूब पे देना बंद कर दिया, ये मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि यूट्यूब पे लगातार वीडियो बना पाना, क्योंकि आप जान रही है हमारी जॉब प्रोफाइल क्या है, इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैंने लेकिन टेलीग्राम पे वो कंटिन्यू रखा हुआ है और वो कंटिन्यू टेलीग्राम पे रहेगा और डेफिनेटली रहेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे टारगेट 3 जा चुका है ऑलरेडी, टारगेट 4 आपको कल परसों तक मिल जाएगा। तो जो लोग नहीं अपने से समझ पा रहे कैसे करना है तो वो उस टारगेट को फॉलो करते हुए चलेंगे, और जो बीएसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं वो जीएस को कवर करने के लिए सेम टारगेट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप टॉपिक उठाते चलना है, रिवीजन मारते चलना है, जल्दी 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 ओवरऑल सिलेबस को निपटाना है। और अभी जो आपका मेन फोकस जो आपने मैथ्स रीजनिंग अभी नहीं की है वीक है, अब आपको मैथ्स रीजनिंग पे आ जाना है, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग कहाँ से होगी सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना, कुछ नहीं, YouTube पे भर के फ्री रिसोर्सेज है, कहीं कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद से हो जाएगा, ठीक है। YouTube पे इतने अच्छे अच्छे टीचर्स, इतने अच्छी अच्छी गाइडेंस जब आपको फ्री मिल रही है, क्यों अपने पैसे लगाने हैं कहीं पे, आप वहाँ से देखिए, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक अपनी कोई अच्छी सी बुक, एक एक बुक छोटी छोटी पतली पतली बुक मार्केट से ले आइए, उसमें मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने कर लेने हैं, ठीक है। और यूट्यूब से उसकी ट्रिक वगैरह सारी चीज़ें ये सब यूट्यूब से अपना क्लियर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है इसके बाद, अब आपका काम हो जाएगा प्रैक्टिस सेट लगाना, ठीक है। अब पहले क्या था, मैंने हमेशा प्रीलिम्स बोला था कम से कम 30-40-50% सिलेबस कंप्लीट होने दीजिए तब करिए, ऑलरेडी आप सब कुछ पढ़े हुए मजे हुए हैं, अब आपको कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेट आपसे लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम वीक में आपके 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लग जाने चाहिए, कितने 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लग जाने चाहिए। अब कुछ लोगों को होगा डाउट हिंदी को लेकर के, हिंदी को लेकर के सीधे एक क्लियर चैनल बता देती हूँ Study91 का, इसके अलावा कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं जरूरत है। हिंदी के लिए जिनकी कमजोर है वो Study91 पे देख ले, बेस्ट टीचर है, बेस्ट टीचर। अब वहाँ यूट्यूब से फ्री में उसको हिंदी आप कवर कर लेंगे, मैंने वहीं से फ्री में कवर किया है, और तो आपका हिंदी का प्रॉब्लम खत्म हो गया और हिंदी के लिए कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है हिंदी के लिए कि जो आपकी ये देखिए प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है। अब इस प्रैक्टिस सेट में आपकी हिंदी भी दी हुई है, आपने क्या करना है वीक में कम से कम जिनकी हिंदी ज़्यादा कमज़ोर है वो 2 से 3 प्रैक्टिस सेट हिंदी के भी मार लेंगे उसमें, ठीक है। और जिनकी मजबूत है हिंदी वो एक दो मार ले, ठीक है, काफ़ी है। लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाना अभी से आपके लिए अब ज़रूरी है, कम से कम आपके 4 प्रैक्टिस सेट जो है भी लग जाने चाहिए, ठीक है। और ये थी आपकी स्ट्रेटजी की बात, कैसे कैसे क्या क्या कवर करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपने पेन डाउन कर लिया होगा, नहीं पेन डाउन किया है तो कोई बात नहीं, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, ठीक है, नो इश्यूज। अब आपकी बात आ जाती है कि बुक लिस्ट की, आप जानते हो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने, आपको पता है बुक लिस्ट क्या है, ठीक है ना। अपनी पढ़ी हुई किताबों पे जो है जिस पे पढ़ा है उसी पे रिवीजन करना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है ना। एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि
एक बुक को 10 बार पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू कि 10 बुक को एक एक बार पढ़ना। एक ही बुक को आपको 10 बार पढ़ना है, ठीक है। तो जो बुक आपने अभी तक की हुई है उसी से कंटिन्यू रखिए। मैंने शुरू से बताया हुआ, मेरा कुछ थोड़ा सा अलग पैटर्न रहा था, लूसेंट से अलग कवर किया था, क्राउन से अलग कवर किया था। और मैं आपको एक बता दूं कि ये जो आपकी वन लाइनर जीके की बुक जो है किरण की, ये बहुत अच्छी है। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक कवर किए हुए हैं, मुझे ये इसलिए अच्छी लगी कि मुझे मेरे टाइम पे ये मैंने बुक देखी नहीं थी। और इसमें ऐसे ऐसे चीज़ें दी जिसको नेट पे सर्च सर्च कर करके अलग से पढ़ना पड़ता था, और ये इसमें ऑलरेडी कवर्ड अप है। इसके आपको आपके इसके लिस्ट में मिल जाएगा कॉन्टेंट्स में, जो आपको लूसेंट और क्राउन में कवर्ड नहीं है, ठीक है। और आपकी जो बुक एनसीईआरटी सार संग्रह है, एक बच्चा भी उसको जो है ना मिस नहीं करेगा। कैसे करके चल रहा है, मैंने ऑलरेडी आपको टॉपिक टारगेट दे रही हूँ, आप उस बाय टारगेट उसको कवर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो अब पढ़ना कैसे, ऑब्जेक्टिव भी आपको पता है बनाना किससे, घटना चक्र, उसके सिवा मैं कोई बुक नहीं बताती हूँ ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि वो बेस्ट है, ठीक है। और जो लोग कहीं और से ऑब्जेक्टिव लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगाना जरूरी है। जो टॉपिक आपने पढ़ ली अगर आपने उसके एमसीक्यू नहीं किए, ऑब्जेक्टिव नहीं किए, तो वो आपका जीरो पे हो जाता है। फिर कोई फायदा नहीं है उस टॉपिक को पढ़ने का, क्योंकि वो गोल हो जाना है दिमाग से। जब तक आपने उसके ऑब्जेक्टिव नहीं लगाई, वो टॉपिक हमेशा अपने दिमाग में रखिए, वो टॉपिक आपका इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद आपने अब क्या करना है, अब आते हैं आपके फ्री रिसोर्सेज के बाद। आपने मैथ्स की भी तैयारी देख रहे हो कि चल रही है, बुक लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी आपके क्या के हाथ में होने चाहिए। एक आपका वन लाइनर हमेशा होना चाहिए, फिर आपका ये एनसीईआरटी सार संग्रह होना चाहिए। ये टॉपिक कवर कर लेने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है ये लगा लेना है ऑब्जेक्टिव घटना चक्र से। इसके बाद मैथ्स रीजनिंग तो आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया। अब आते फ्री रिसोर्सेज के बाद, अब क्या करना है, देखिए ऑलरेडी आप जान रहे हैं एडुटेरिया का चैनल है यूट्यूब पे, ठीक है। उसमें प्रवीण सर ने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है हिस्ट्री की, उसको और फिर पॉलिटी की बनाई हुई उन्होंने, ज्योग्राफी की बनाई हुई उन्होंने, इकोनॉमिक्स की बनाई हुई है उन्होंने, ठीक है ना, और एनवायरमेंट की भी अलग से है। ज़रूर 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 जा करके आप एक बार जा करके क्लियर कर लीजिए। जिनको अभी भी क्लियर नहीं होता, याद नहीं रहता, एक बार ज़रूर उन वीडियो को पर डे का लगा लीजिए, सुनते सुनते दो दो वीडियो कान में लगा के सुन लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने नोट्स नहीं पेन डाउन करने, मार्केट में भी सर के नोट्स मिल रहे हैं जो ऑलरेडी उनके चैनल पे बनाए हुए हैं, आप वो भी खरीद सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इतनी पेन डाउन करने की, इतनी मेहनत करने की, ये काफ़ी हो जाएगा। कान में भी सुन लिया ना, बहुत है, ठीक है। और हो सके तो एक अपनी जो है प्रिंट निकलवा लीजिए कि उनके नोट्स के ऑलरेडी मार्केट में मिल रहे हैं, तो उतनी उसमें अपना टाइम देने की जरूरत नहीं। मैंने मेहनत की थी उसमें, मैंने पेन डाउन किया था, क्योंकि उस समय कोरोना लगा हुआ था, मार्केट में कुछ भी अवेलेबल नहीं होता था, तो मैंने ऑलरेडी खुद से सारी चीज़ें सारी नोट्स जो है पेन डाउन किए थे, ठीक है। तो अब इसके ये आप समझ के ये आपके काम है, फ्री रिसोर्सेज ये है। मैथ्स के भी फ्री रिसोर्सेज, मैंने अपने समय में मैथ्स के लिए मंजीत मैथ्स मैजिक का जो है चैनल देखा था, क्योंकि सर ने प्रीवियस ईयर्स PYQs करवाए थे मैथ्स के उसमें, ठीक है। इस वजह से मैंने जो है उस वहाँ से कवर किए हुए थे। अब क्या है कि आपकी ऑलरेडी बुक्स जो है मार्केट में PYQ की अवेलेबल हो चुकी है, आपने PYQ भी देख लेने हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं कि मैथ्स रीजनिंग है इसकी, तो आपने क्या करना है, अभी तक बिहार में मैथ्स और रीजनिंग में पूछे गए पिछले 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, और आपको ये इस बुक में मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, इस बुक में आपको पूरी बुक नहीं बनानी है, फिर क्लियर कर दूं, आपको जाना है। और इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है, इस बुक की खासियत है कि इसमें टॉपिक वाइज आपने क्या करना है, जा करके उन टॉपिक के बस लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन पेपर देख लेना है। और ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं बता रही हूँ मैथ्स रीजनिंग आपके स्कोर को अप या डाउन कर सकता है, और एक नंबर से भी इंसान का मेरिट बन जाता है और एक नंबर से इंसान का मेरिट छूट जाता है। तो आपको मैथ्स रीजनिंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, मैथ्स रीजनिंग को लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करती हूँ आपके क्लियर हो चुकी होगी। रही बात बिहार SI के न्यू वैकेंसी की, जो है प्रिपरेशन मैंने ऑलरेडी टारगेट दे रखा है, टारगेट मैं उस पर करवा रही हूँ। और जिनके पास अच्छा खासा वक्त है, कम से कम भी मैं मान के चलती हूँ 8 महीने से 1 साल, उनके लिए मैं एक थोड़ा डिफरेंट प्लान लेकर के आने वाली हूँ जस्ट कुछ दिनों में, ठीक है। इसलिए वो डिफरेंट प्लान उनके लिए रहेगा, क्योंकि उनकी उस तैयारी में उनकी जो तैयारी होगी वो BPSC लेवल तक की हो जाएगी, ठीक है। वो BPSC के एग्जाम में भी बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस कर पाएंगे उन तैयारियों से, ठीक है। तो वो वीडियो आपको जल्द मिलेगी। और BSSC CGL के आपको पता होगा वैकेंसी उसकी भी जल्द आने वाली है, उसके रिगार्डिंग भी जो है अपना जो है गाइडेंस मैं आपको बता दूंगी। और एक जो रही बात, अभी जो आपको पता होगा कि RRB जो है मतलब NTPC में भी जो है आपकी रेलवे में बड़ी वैकेंसी आने वाली है, तो रेलवे में बड़ी वैकेंसी आने वाली है। मैंने अपनी रेलवे की कैसी तैयारी की थी, किस तरह से मेरा जो है रेलवे में एग्जाम क्लियर हो गया था, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको थोड़ा जो है रेलवे के रिगार्डिंग भी डेफिनेटली गाइड करूंगी, ठीक है ना।
क्योंकि आप ये मत सोचिए कि एक वैकेंसी को जस्ट पकड़ के बैठना है, अपनी तैयारी ऐसी रखिए कि बस बैठना है और एग्जाम हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।